महादेव संसार में सर्वश्रेष्ठ है और वही सबसे अधिक शक्तिशाली भी है। कहा जाता है कि भोलेनाथ अन्य सभी देवी देवताओं में सबसे बड़े हैं और इनकी शक्ति के आगे किसी और की नहीं चलती है। जहां एक ओर भगवान विष्णु को संसार का पालनहार कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है। योग, ध्यान, तंत्र, मंत्र, संगीत और अनेक रचनाओं का श्रेय शिव जी को जाता है। भगवान शिव एक महान तपस्वी भी है और इसी वजह से उनका अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हुए ही बीतता है। इसे समाधि भी कहते हैं। शास्त्रों की माने तो समाधि में लीन रहते समय महादेव श्री हरि नारायण का ध्यान करते हैं और संसार की जटिल से जटिल परेशानियों का निवारण भी करते हैं। ऐसे में अगर कोई भक्त महादेव को पुकारे और उसकी भक्ति में सच्चाई ना हो तो महादेव को समाधि में उसकी पुकार सुनाई नहीं देती है। एक बार भगवान शिव के समाधि में लीन होने के बाद मनुष्य तो क्या स्वयं देवी देवता भी उन तक अपनी पुकार नहीं पहुंचा सकते हैं, और महादेव की समाधि तोड़ने का सामर्थ्य और साहस किसी में नहीं है। कलयुग में तो मनुष्य इतने सारे पापों और बुरे कर्मों का भागी बन गया है कि उसकी पुकार ईश्वर तक पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। आज मनुष्य काम, लोभ, क्रोध से घिरा हुआ है और इसी वजह से उसे अपनी पूजा का फल भी नहीं मिल पाता है। एक और तो वह मंदिर जाकर प्रार्थना कर पुण्य कमाता है और वहीं दूसरी ओर अपने लोभ और लालच के लिए दूसरों का अहित करता है। ऐसे मनुष्य का ईश्वर कभी भला नहीं करते हैं। अगर आप अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसका भी एक उपाय है। वेद पुराणों में एक ऐसी कथा का वर्णन है जिसमें महादेव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने का एक तरीका बताया गया है। महादेव का प्रिय वाहन नंदी है और महादेव के हर मंदिर में नंदी की मूर्ति हमेशा होती है। नंदी न केवल महादेव के वाहन है बल्कि उनके परम भक्त भी है। जब भी महादेव समाधि में लीन रहते हैं तो जो भी होता है नंदी महाराज महादेव के समाधि से उठते ही उन्हें सभी जानकारी दे देते हैं। जब महादेव समाधि में लीन रहते हैं तो ऐसे में आपकी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन एक छोटा सा उपाय कर आप अपनी बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं। जब भी महादेव के मंदिर जाएं तो आप अपनी प्रार्थना करते समय नंदी महाराज के पीछे खड़े हो ताकि आपकी मनोकामना वो भी सुन सके। महादेव के पूजा के बाद नंदी महाराज के पैर छूकर उनके कान में धीरे धीरे अपनी मनोकामना कहें। नंदी महाराज से यह भी प्रार्थना करें कि जब भी महादेव समाधि से उठें तो नंदी जी आपकी मनोकामना उन तक पहुंचा दें। नंदी महाराज के दाहिने कान में आप अपनी मनोकामना को बताएं और अपने एक हाथ से बाएं तरफ के कान को बंद कर दें ताकि एक कान से सुनी गई बात दूसरे कान से ना निकल जाए। ऐसा करने से नंदी महाराज के पास आपकी मनोकामना पहुंच जाती है और जब भी महादेव समाधि से उठते हैं तो नंदी महाराज आपकी बात उन तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। इस वीडियो को एक लाइक दे दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।